उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी के तौर पर स्थापित हो चुके जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बरसात के मौसम के दौरान जलभराव के हालात हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन शहरों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर इवेंट कर रहे हैं ताकि भारी संख्या में यहाँ निवेश हो सके, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत यह है कि स्थानीय अधिकारियों की निरंकुशता और लापरवाही के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक इकाइयों के सामने जलभराव को नालियों तक निकालने के लिए अपने प्रयास करने पड़ रहे हैं। ऐसा ही नजारा यहाँ के एक औद्योगिक सेक्टर में देखने को मिला है, जिसमें इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालात बदतर हो गए हैं। नेटवर्क 10 के विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी ने यहाँ का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहर नोएडा के एक औद्योगिक सेक्टर में मैं मौजूद हूँ। ये सेक्टर 80 है। सेक्टर 80 में देखो जल भराव के बाद किस तरीके की स्थिति होती है। पानी को निकालने के लिए एक मोटर लगाई गई है और ये जो मोटर है, क्योंकि यहाँ पे एक हॉल बना है, सीवर सिस्टम है यहाँ पे, अगर उधर से देखेंगे तो ये सीवरेज सिस्टम है पूरा। इसके साथ साथ जो कंपनी के अंदर से जो पानी निकलता है वो इस सीवर के जरिए ड्रेन तक पहुँचता है, लेकिन क्योंकि पानी भरा हुआ है, शिकायत की गई है, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, तो कंपनी प्रबंधन ने अपनी मोटर लगा दी ताकि उसके सामने जो स्थिति है वो ख़राब ना हो। देखिए, ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की है, क्योंकि लीजेंट लिया जाता है, लोकेशन चार्जेज होते हैं, तमाम तरह की जो इस शहर को व्यवस्थित रखने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों को अगर इस तरीके से अपनी औद्योगिक इकाइयों को अगर स्थापित करना पड़ता है, इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया के तमाम देशों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उद्योगपतियों को किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, ये उसका सच है। सर, हमने प्राधिकरण से कई बार शिकायत किया कि यहाँ बारिश में और वैसे भी पानी भर जाता है, सड़क भी टूटी हुई है। दो तीन दफ़े ये सड़कें हमने अपने लेबर लगा के रिपेयर करवाई है, खड्डे सारे भरवाए हैं, और जब बारिश होती है हम अपना पंप लगा के पर डे साफ करवाते हैं। दो लड़के हमारे इसी में बिजी रहते हैं और ट्रैफिक यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहता है। सेक्टर 80 D1। देखो, हमें आज एक दूसरे पड़ाव पर ये जगह जो पड़ती है, अगर इस जगह को मैं बताने का आपको प्रयास करूँ तो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मतलब अगर ग्रेटर नोएडा कहेंगे तो एंट्री पॉइंट कहेंगे उधर से अगर आएंगे हम, और अगर इधर से जाएंगे तो बिल्कुल अंतिम छोर कहेंगे। ये कुलेसरा एक कस्बा है, हिंडन नदी के बिल्कुल जस्ट किनारे बसा हुआ है। ये रास्ता जो है, ये रास्ता, इसको DSC रोड कहते हैं। DSC रोड मतलब नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए, जिसपे दादरी, छलेरा, सूरजपुर ऐसे करके DSC रोड बना हुआ है। तो यही रास्ता था, ये पुराना रास्ता है, इस रास्ते से लोग आया जाया करते थे। इसकी हालत आप देख सकते हैं कैमरे की निगाह से, लेकिन प्राधिकरण इस पर अब काम करवा रहा है। आप सामने देखेंगे तो रोडी के जो ढेर हैं ये भी लगे हुए हैं, और इसके बाद शायद अब बरसात का मौसम है इस वजह से ये काम अभी रुका हुआ है, तो काम हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये गड्ढे जो हैं ये एक दिन में नहीं बने। सफाई व्यवस्था जो दिख रही है आपको, अगर इसको देखेंगे तो ये सफाई व्यवस्था जो है ये इन गड्ढों की वजह से नहीं, क्योंकि प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहाँ जिम्मेदारी से सफाई व्यवस्था नहीं की, नहीं तो सफाई होती तो ठीक रहता। कैमरे की निगाह से आप देख सकते हैं, देखो एक दुकानदार बेचारे चल के आए वहाँ से। भाई साहब, इसकी कोई शिकायत वगैरह की आपने? नहीं, खूब शिकायत करी है हमने अथॉरिटी के अंदर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, ये हर बरसात का यही हाल होता है, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। रोज़ यहाँ पर ई रिक्शा पलटते हैं, टेम्पू पलटते हैं, पर अथॉरिटी से खूब कंप्लेंट करी, धरना प्रदर्शन भी करा था अनिश्चित काल के लिए, लेकिन कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई है। रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। यार, ये जो गंदगी है, देखो एक दिन में तो ये हो ही नहीं है, नहीं है ना, ये गंदगी यहाँ पर क्या है, ड्रेनेज पूरे फुल हुए पड़े हैं। यहाँ पर नाला उन्होंने लोगों को पास करा, पेड़ काट दिया, आज एक साल होने वाला, पेड़ कटे हुए भी, पेड़ पहले काट दिए, पर आज तक नाले खुदाई भी नहीं हुई है। यहाँ पानी की निकासी नहीं है, जब तक ये नाला नहीं बनेगा जब तक ये समस्या बनी रहेगी। देखो, एक आम आदमी को पता है कि नाला होना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, ये तो सच्ची बात है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक नगरी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के अगर प्रयास होंगे तो शायद उनके प्रयास जो है वो सार्थक होते हुए नहीं दिखेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।